तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देर रात तक जाग रही है ताकि यूपी के लोगों को बिजली की समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। गुरुवार देर रात तक सीएम आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करके कई ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। रिपोर्ट देखते हैं। जहां रात्रि में शाम को चले, जहां बिजली, जहां अंधेरा हो जाए, वहां से उत्तर प्रदेश समझ लीजिए आ जाए, हम इस मिथक को बदल लेंगे। सीएम आदित्यनाथ योगी ने अब यूपी का अंधेरा दूर करने की ठान ली है। योगी सरकार अब सूबे में प्लान रोशनी पर काम शुरू कर दिया है। यूपी में 14 अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली मिलेगी, तहसीलों में 20 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली सप्लाई दी जाएगी। गांव में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली हर हालत में दी जाएगी। 18 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र को, 20 घंटे बिजली तहसील मुख्यालय को, 20 घंटे बिजली बुंदेलखंड को और 24 घंटे बिजली जिला मुख्यालय को मिले, उसके लिए सभी अधिकारी, ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी इस बात का संज्ञान भी ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी रोक के ये रोस्टर लागू हो। इसके साथ ही बिजली विभाग को 100 दिनों में 5,00,000 नए बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य दिया गया है। ट्रांसफार्मर्स का रिप्लेसमेंट शहरी क्षेत्रों में 24 घंटों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटों में सुनिश्चित किया जाएगा। बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी ने यूपी को 2018 तक विद्युत संपन्न बनाने के लिए एक्शन प्लान बनाने का आदेश भी दिया। योगी सरकार ने एक और आदेश दिया है कि अगर हाई टेंशन वायर से फसलों को नुकसान होता है तो किसानों को एक हफ्ते के अंदर मुआवजा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त हिदायत दी है कि एक सप्ताह के अंदर, यानी कि 7 दिन के अंदर, जो किसान का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उसके खाते में पहुंचे। योगी सरकार पहले दिन से ही एक्शन में। सीएम आदित्यनाथ हर रोज कोई न कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं। बिजली की समस्या यूपी में काफी पुरानी है। सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने इसका समाधान नहीं निकाला। अब योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। बस देखना अब ये है कि विद्युत विभाग योगी सरकार के फैसलों को लागू करने में कितना कामयाब होता है। लखनऊ से विवेक तिवारी, इंडिया 24/7।